हेलो गाइस, आज से हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर स्पेस। आज वेक्टर स्पेस देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। तो सबसे पहले एक हम लोग नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। वी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक स्ट्रक्चर लेंगे हम लोग वी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। इस स्ट्रक्चर v प्लस डॉट को इज सेट टू बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। इफ मतलब v एक नॉन एम्प्टी सेट है और इस स्ट्रक्चर v प्लस डॉट को हम लोग एक वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर द फील्ड f इफ ये कुछ कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे तो। जैसे कि पहला कंडीशन है कि v प्लस इज अबेलियन ग्रुप। v प्लस एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि v इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए। जैसे कि एक एलिमेंट लेंगे हम लोग x लेते हैं v का एलिमेंट और एक a लेते हैं फील्ड का एलिमेंट f का एलिमेंट। तो ये जो a डॉट x मिलेगा ये भी v में होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ये थर्ड कंडीशन कि अगर एक फील्ड का एलिमेंट लें और उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें दो वी का एलिमेंट एक्स प्लस वाई, तो ये ए डॉट एक्स प्लस डॉट वाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वाई वी का एलिमेंट हो और ए फील्ड का एलिमेंट हो। दूसरा, अगर ए और बी दो हम लोग फील्ड का एलिमेंट लें और उसके साथ अगर एक वी का एलिमेंट को ऑपरेट करें तो a डॉट x प्लस b डॉट x, वह a b फील्ड का एलिमेंट हो और x v का एलिमेंट हो। तीसरा कंडीशन है कि 1 डॉट v इज इक्वल टू v, मीन्स 1 डॉट x इज इक्वल टू x। x अगर v का एलिमेंट हो तो 1 फील्ड का एलिमेंट हो। एंड चौथा प्रॉपर्टी है कि ए बी डॉट एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स, ए बी फील्ड का एलिमेंट हो और एक्स अगर वी का एलिमेंट हो। तो यहां पे ये होगा वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन। मतलब हम लोग वी एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और इस v प्लस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f। f को एक फील्ड है। अगर v अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में v और एडिशन के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रक्चर v प्लस अगर अबेलियन ग्रुप हो और v इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर हम कोई v का एक एलिमेंट x लें और एक फील्ड का एलिमेंट a लें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए एक्स आएगा, वो भी वी में बिलोंग करना चाहिए। और इसके साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग वी का दो एलिमेंट लें, उसको ऑपरेट करें एफ के एक एलिमेंट से, तो ये आना चाहिए। फिर अगर दो एफ का एलिमेंट लें और उसको अगर वी के एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो ये आना चाहिए। और 1 डॉट x इज इक्वल टू x होना चाहिए, पर x इज एलिमेंट ऑफ v और a b डॉट x इज इक्वल टू a डॉट b x। अगर इन सारे कंडीशन को अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f। तो हम लोग प्रत्येक बार इस स्ट्रक्चर को v प्लस f ना लिख के हम लोग वी एफ लिखते हैं। वी एफ ये बोलेंगे v ओवर द फील्ड f इज ए वेक्टर स्पेस, ओके। अब हम लोग इसके आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि वेक्टर स्पेस का क्या क्या एग्जांपल्स है।
जैसे कि कोई भी एक फील्ड है, मान लेते हैं ई एक फील्ड है और इसका एक सब फील्ड है एफ, इसका एक सब फील्ड है एफ, तो कोई भी तो बोलेंगे ई इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, मतलब कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस होता है। जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो सब फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर खुद अपना सब फील्ड होता है, तो C ओवर C भी एक C ओवर C ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा। जैसे कि Q ओवर R, R एक फील्ड है और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सब फील्ड है, तो R ओवर Q ये भी एक सब फील्ड होगा, ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा। तो पहला एग्जांपल हो जाएगा, पहला एग्जांपल एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ये कुछ एग्जांपल, ये बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल, हम लोग सेट ऑफ एन टपल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एफ एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू टू एन टाइम्स, ये जो प्रोडक्ट होगा ये एन टाइम्स होगा, दिस इज कॉल्ड एन टपल्स। जैसे कि जैसे इसे लिखा जाता है ए वन ए टू अप टू ए एन, मतलब एक एफ का ये एलिमेंट है, ये एफ है, ये एफ है, तो ये सेट ऑफ एन टपल्स हुआ। तो कोई भी तो एफ एन इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, तो कोई भी एन टपल्स खुद उस फील्ड के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ये दूसरा एग्जांपल हो गया, जैसे कि इसमें एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि आर एन ओवर आर, सी एन ओवर सी, ये सब हुआ इसका एग्जांपल। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, जैसे कि एक पॉलिनोमियल हम लोग करते हैं पी एफ लेते हैं, एक पॉलिनोमियल है ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू अप टू ए एन, ओके, ये एक तो ये एन ऑर्डर पॉलिनोमियल है और इन अगर तो ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर फील्ड एफ अगर ये ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन, इफ ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन अगर सारा फील्ड का एलिमेंट हो, मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर एनी फील्ड एफ अगर इन सब का जो कोफिशियंट आएगा ए नॉट ए वन ए टू अगर वो उस फील्ड का एलिमेंट हो, एफ का एलिमेंट हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो ये भी बहुत काफी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। और जैसे कि और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि कोई एक एम है, एम बाय एन मैट्रिक्स है ओवर एफ, फील्ड ऑफ इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस होगा, ये वेक्टर स्पेस होगा। जैसे कि एक यहाँ एक मैट्रिक्स है एम ओवर एन, इसमें एंट्रीज है सारे, और अगर ये सारा एंट्रीज अगर एफ का एलिमेंट हो
ये सारा एंट्रीज अगर जो है ये अगर फील्ड का एलिमेंट हो तो हम लोग कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स होगा ये एक वेक्टर स्पेस होगा। ओके तो आज तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि सब स्पेस क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।